तो गाइस पुनीत स्टार गए थे एक शो के अंदर और उनसे बड़े बड़े यूट्यूबर के बारे में पूछा जाता है, जैसा कि आशीष चलचलानी, अगर इंसान, एलिमिनेटी और बूम बाम के बारे में। तो उन्होंने क्या ही तगड़ा रोस्ट मारा, ये देखिए। जैसे आशीष चलचलानी है, उसको इतने बंदे नहीं जानते, वो रस्ते में जाएगा 17 मिलियन लेकर बैठा है वो इंस्टाग्राम पर। तो भाई उसको इतने बंदे जानते, कैरी मिनाटी अगर वो रस्ते में जाएगा कोई नहीं जानता। और ट्रिगर्ड है, उसको भी इतने बंदे नहीं जानते, वो भी सिर्फ वीडियो में फेमस है। कैरी मिनाटी हो गया, ट्रिगर्ड हो गया, आशीष नाली हो गया, और ये भी कोई फेमस नहीं है, ये भी कोई नहीं जानता उनको, ना कोई एक्टिंग है ना कोई टैलेंट है। भाई एक बार बताओ भाई, मेरी बात सुनो, क्या टैलेंट है? पुनीत स्टार और एमसी चैन में से कौन सबसे ज्यादा फेमस है, आइए देखते हैं। पुनीत स्टार जब बिग बॉस से बाहर निकले तो उनके 4 लाख थे और अब उनके 2 मिलियन होने वाले, और वहीं एमसी स्टैन जब बिग बॉस से बाहर निकले थे तो उनके सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन फॉलोवर्स थे, अब उनके 11 मिलियन फॉलोवर्स है। 55,000 लोग लाइव देख सकते हैं कभी भाई, इतनी जनता ना किसी की नहीं है, किसी की नहीं है इतनी जनता भाई। जो ट्रिगर इंसान की बहन बहुत ज्यादा गुस्सा है बिग बॉस के ऊपर और उन्होंने ओपन में सपोर्ट किया है पुनीत को। वो क्या है, जियो सिनेमा अपने ट्विटर पे एक पोस्ट किए थे और वो पोस्ट पुनीत के ऊपर था। प्रेरणा ने रिएक्ट करते हुए कहा कि उनको बिना किसी गलती के निकाल दिया गया, ना ही किसी कंडीशन को गाली बकी थी और ना ही किसी को हेट किया था, वो तो अपना काम कर रहे थे, यानी कि ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे थे। उसी बात पे एक लड़की ने रिएक्ट करते हुए कहा कि अच्छा, आपका मतलब है कि जरूरत का सामान वेस्ट करना एंटरटेनमेंट हो गया, क्योंकि शो के अंदर उन्होंने अपने चेहरे पे टूथपेस्ट लगा लिया था और एक क्लीनिंग भी लगा लिया था। और उसको रिप्लाई करते हुए प्रेरणा ने कहा कि और इसके कई सीजन में बिग बॉस के ने खुद ऐसे बहुत सारे टास्क दिए हैं जहां पर चीजों का वेस्टेज हुआ है। तो एमसी स्टैन ने पुनीत स्टार को कुछ ऐसा कह दिया कि उन पे ही भारी पड़ी है और लोग बहुत ज्यादा गुस्से में। बट ऐसा हुआ क्या, तो कल था ग्रैंड प्रीमियम जिसमें कि पुनीत स्टार भी गए थे, वहां पर एमसी स्टैन थे वहां के जज। जब उनका इंट्रोडक्शन हो गया, एमसी स्टैन ने उनसे एक सवाल पूछा, आपका कंटेंट बहुत ज्यादा बकवास है और मुझे भी काफी ज्यादा बेकार लगता है। उसमें लोग कहते हैं कि एक छपरी दूसरे को छपरी कह रहा है।